मिलियन डिक्टेटर होने का एजाज आज इमरान खान ने हासिल किया। मरियम नवाज ने इमरान खान को पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर कह दिया। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अवाम का मैंडेट चुराने का बदला आज नवाज शरीफ ने ले लिया। अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप ने अवाम की आवाज पर लब्बैक कहा। मरियम नवाज ने कहा, सारा पाकिस्तान जानता है परा किसकी फ्रंट पर्सन थी। हिसाब किताब का वक्त आया तो उसे बुर्का पहनाकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। मुत्तहिदा ओपोजिशन ने पंजाब असेंबली में अक्सरियत शो कर दी। 199 अरकान ने हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार कर दिया। हमजा शहबाज ने तमाम अरकान का शुक्रिया अदा किया। बोले, अलीम खान समेत सबका शुक्रगुजार हूँ। मरियम नवाज हमजा शहबाज के पास गए, मुबारकबाद दी, कहा ये शुक्र और खुशी के आंसू है। नवाज शरीफ भी जल्द वापस आ रहे हैं। मरियम, ये खुशी के आंसू है या फदा के आंसू है? शुक्र के आंसू है, खुशी के आंसू है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। मैडम, किस हद तक उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वापस आए? उनकी बहुत स्ट्रगल है, लोग याद करते हैं, आने वाले इंशाल्लाह। और लाहौर में 15 रोज के लिए रेंजर्स तलबी की सिफारिश, विफाक को इरसाल। जिले इंतजामिया ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नुक्से अमन के खदशे के पेश नज़र किसी भी शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है।